के बाद एक कैसे जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर अटैक किया गया है। हमने देखा है हमारे जो फंड है उस फंड को कट किया गया है, हमने देखा है हमारी जो सीट है सीट को कट किया गया है, और उसके बाद कुछ दिन पहले उन लोगों ने एक 13 पॉइंट रोस्टर लेके आए हैं, जिस 13 पॉइंट रोस्टर की बदौलत इस देश की जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से लोग आते हैं, जो दबे पिछड़े कुचले दबकों से जो लोग आते हैं, उनका शिक्षा संस्थान में आना पूरी तरीके से बंद हो गया है। हम भारत की छात्र फेडरेशन और यहाँ पे उपस्थित सारे जो लेफ्ट प्रोग्रेसिव संगठन है सबकी तरफ से बीजेपी को ये चुनौती देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है आपकी पॉलिसी से आपकी गुंडागर्दी से इस देश की जो नौजवान है इस देश की जो छात्र है वो डरने वाले हैं, तो आइए और आके देख लीजिए यहाँ पे बैठे हुए सारे चेहरे को कि आपको इस पे किसी में भी थोड़ा सा भी डर दिखता है। अगर आपको लगता है कि आपकी पुलिस आपकी जेल आपकी कोर्ट कचहरी हमको रोक सकता है, तो आइए और इस सारे लोगों को देख लीजिए और समझ लीजिए कि 2019 में इस देश की जो नौजवान है इस देश की जो छात्र है वो सारे एकजुट होके आपकी जो तानाशाही का सरकार है उस सरकार के खिलाफ अपना नारा जो है वो बुलंद करेंगे। यहाँ पे जो लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं स्पेशली दिल्ली के जो बीजेपी के लोग हैं, अगर वो मेरी बात सुन पा रहे हैं उनसे भी और भी दो चीज बात कहना चाहती हूँ। अब लोगों को पता होगा दो दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे एसएफआई के कॉमरेड जब ये सेव डेमोक्रेसी सेव नेशन सेव एजुकेशन का प्रचार बांट रहे थे, ये एबीवीपी के लोग उन पे आते हैं उन पे अटैक करते हैं। हमारी जो महिला है द गर्ल कॉमरेड ऑफ आवर आर बीइंग सेक्सुअली हैरस्ड दे आर बीइंग मोलेस्टेड आफ्टर दैट डे बिफोर यस्टरडे वी हैड अ रैली थर्सडे ऑफ अस मार्च इन फ्रंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी दे आल्सो दे अटैक्ड अस आवर कॉमरेड फ्रॉम सेंट्रल कमिटी हैज बीन अटैक्ड। उसके बाद आज हम दिल्ली के राजपथ में उससे भी ज्यादा संख्या में उतर के आए हैं। एबीवीपी और नरेंद्र मोदी की जो चमचे हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं उनसे हम ये बताना चाहते हैं, अगर आपको लगता है अगर आपके अंदर इतना दम है कि हम हमारे एक ही कॉमरेड को छू के देखेंगे, तो देख लीजिए इन लोगों को। हम पिछले दिन 100 लोग आए थे, आज 2000 से ज्यादा लोग आए हैं। अगर इसके बाद भी अब अपने हरकतों से बाज नहीं आए, हमारे ये जो ताकत है हमारा जो संख्या है ये भी बढ़ेगा। हम देखेंगे आप कितने हमारे लोगों को छू सकते हैं और हम कितना ज्यादा स्वरूप में उतर सकते हैं। साथियों, पिछले 4 साल में ये जो सरकार रहा है ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है। हमने देखा है पिछले सालों में जिस तरीके से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है इतने सालों में कभी भी हमने वो देखा नहीं। और जब वो अपनी सारी जो प्रोमिसेस थे सारी जो वादा थे वो सारा वादा पूरा नाकाम रहे सारे वादे में नाकाम रहे, तो अब वो नेशनलिज्म एंटी नेशनलिज्म के डिबेट लेके आ जाएंगे। आपको याद होगा जेएनयू के जो छात्र संघ के जो चुने हुए प्रेसिडेंट थे उसके खिलाफ बोला गया कि वो एंटी नेशनल है। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर फिर से वही तरीके की जो नक्शा है उस नक्शे को रेप्लीकेट करने की कोशिश किया गया है। 2019 के पहले वो बार बार कोशिश करेंगे कि आप और हम ये नेशनलिज्म एंटी नेशनलिज्म ये हिंदू और मुसलमान में बच जाए, लेकिन हमारे देश के जो मेहनतकश लोग हैं द वर्किंग क्लास ऑफ आवर कंट्री हैज ऑलरेडी शोन दैट दे नो मोर दे कैन नो मोर डिवाइड अस इन टू दिस नेशनलिज्म एंटी नेशनलिज्म फॉल्स बाइनरी दे कैन नो मोर डिवाइड अस इन दिस हिंदू एंड मुस्लिम बाइनरी The people, the working class of our country, for the bread and butter issue, for the questions of livelihood, is going to again and again come down to the streets and going to show this Narendra Modi government that the working class here is no more going to be fooled. They're going to ask your question, where is our job? They're going to ask your question, where is our reservation? They're going to ask your question, where is the security, safety, the beti bachao, the beti parao that you have promised us. Dosto, ye jo samay hai, ye bahut kathin samay hai. आप हम सबको पता है हम लोग संघर्ष के बीच में हैं। हर एक दिन नए नए तरीके की संघर्ष नए नए तरीके की आंदोलन पे हम जुड़ रहे हैं। और अभी का जो जरूरत है वो जरूरत एक यूनिटी का है। जब ये लोग आके आपको बोलना चाहेंगे कि 40 लोग हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, जो हम वामपंथी लोग हैं हम इसके बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कौन थे ये 40 लोग। ये 40 लोग वही थे जो इस देश की सबसे गरीब सबसे दबे कुचले अंश से आते हैं। वो वेस्ट बंगाल के पश्चिम बंगाल के बाबू साधा जो दलित परिवार से आते हैं, हम आज जब यहाँ पे आते हैं रिजर्वेशन की बात करते हैं हम उस परिवारों की उसके घर वालों की उसकी जो अगले प्रजन्म है उसकी शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम जब यहाँ पे आते हैं और बात कर रहे हैं कि सबको शिक्षा सबको काम मिलनी चाहिए, हम वो सारे 40 लोग जो शहीद हुए हैं उनके परिवार की शिक्षा उनके परिवार के काम के बारे में बात कर रहे हैं। हम जब यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि हमको अपनी डेमोक्रेसी बचाना है हमको गणतंत्र बचाना है हम अपने देश को बचाना है, हम उसी देश के बारे में बोल रहे हैं जिसके लिए हमारे जवान हमारे बॉर्डर पे अपना जान दे रहे हैं। वो लोग हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जो मुसलमान
सलमान शूटिंग से इनको बोल रहे कि पाकिस्तान चले जाओ, अब तो पाकिस्तान के सपोर्टर हो, लेकिन वो भूल गए होंगे जो 40 लोग शहीद हुए थे उसमें एक का नाम नफीर अहमद भी था। कौन सा हिंदू को आपको मुसलमान करने वाला है, कौन सा देश प्रेम, कौन सा नेशनलिज्म आपको सिखाने वाले है? ये वही ताकतें है जो हम लोग पूरा देश आजादी का लड़ाई लड़ रहे थे। इनका जो नेता सावरकर वो चिट्ठी लिखते हैं, वो अपोलॉजी लिखते हैं, ये बोलते हैं कि मेरे ब्रिटिश सरकार, मेरे ब्रिटिश साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, इसके बाद में कभी भी हमारी जो देश की आंदोलन है, देश को स्वाधीन बनाने की जो आंदोलन है उसमें हम भाग नहीं लेंगे। क्या वो जो ब्रिटिश के तलवे चाहते थे वो लोग हमको सिखाएंगे कैसे देश को बचाना है? क्या वो लोग हमको सिखाएंगे कैसे देश को बचाना है? हम यहाँ पे जो छात्र नौजवान मौजूद हुए हैं, हम जब सिर्फ डेमोक्रेसी, सिर्फ एजुकेशन और सिर्फ नेशन का नारा दे रहे हैं, हम बस एक इंडिया मैप के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस देश के अंदर रहते हुए सारे लोगों की, हम बात कर रहे हैं इस देश के जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं उनकी, हम बात कर रहे हैं इस देश के दलित, मुसलमान और पिछड़े हुए लोगों की। दोस्तों, ये वक्त जो कठिन वक्त है, उस कठिन वक्त में हमें और भी ज्यादा कठिन लड़ाई की जरूरत है। मैं ये उम्मीद करूंगी हम जितने सारे लोग आए हैं यहाँ पे आज दिल्ली में, हम सब लोग अपने वापस जाएंगे, अपने राज्य में जाएंगे, अपने जिले में जाएंगे, अपने कॉलेज, अपने स्कूल्स में जाएंगे, और 2019 में जब चुनाव होगा हम उनके एजेंडा सेट करेंगे, जैसे कि हमारे किसान मजदूर भाइयों ने किया है। उनके जो किसान मार्च हुआ, जो हिस्टोरिकल किसान मार्च हुआ, उसके बाद 5 जगह पे निर्वाचन हुआ, उसके 5 जगह पे चुनाव हुआ, और हर जगह पे उन लोगों ने इंश्योर किया कि जिस एजेंडा पे इलेक्शन लड़ा जाएगा उस इलेक्शन पे सारी पॉलिटिकल पार्टी को जो किसानों की बात है, जो उनकी मांग है, उस मांग पे बात करना पड़ेगा। आज जब हम यहाँ पे आए हैं हमारा भी लक्ष्य वही है। When you are going to go back, we are going to set the agenda. In 2019 election, when there is going to be election happening, when people, the political parties are going to come and talk about their agenda, they have to talk about the agendas of the students. They have to talk about that the education should be free for all. They have to talk about the safety and security of women inside the campuses has to be ensured. Unko baat karna padega, jo 13 roster system leke aaye hai. Unko baat karna padega, jo 10% reservation aaya hai. Unko baat karna padega, ki is desh ke andar जो दबे कुछ लोग हैं उनका जो रिजर्वेशन है वो कर्टेल डाउन ना हो। यही बात करते हुए हम सब लोग अगले दिन में जो बड़े आंदोलन है, उस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ मिला के, ये नरेंद्र मोदी की जुमलाबाजी का जो सरकार है उस सरकार को परास्त करेंगे, उस सरकार को डिफीट करेंगे, यही नारा देते हुए मैं अपने बात खत्म करूंगी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, SFI जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।